महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 5 सीटों पर हो रहा है। इसमें रामटेक, भंडारा, गांधिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और नागपुर की सीट शामिल है। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने नागपुर में वोट डाला। मतदान करने के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने जनता से मतदान करने की अपील की। वहीं बीजेपी कोषाध्यक्ष राजेश बागड़ी इनो से अपने परिवार के साथ मतदान किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बेटे सारंग गडकरी ने भी मतदान किया। मैं सभी जनता को अपील करता हूँ कि लोग वोटिंग करें, लोकतंत्र को मजबूत करें, लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी हिस्सेदारी दर्ज करें। हा प्रतिसाद आणि उत्सव आणि देखील जनसंप्रिय हा हे सगळ्या जनतेमध्ये दिसत आहे। यावेळेला ज्या प्रकारे परसेंटेज मध्ये दिसून आलं 9% झालंय, त्यावेळेला विश्वमी मतदान नागपुरामध्ये होईल आणि नागपूर तो रेकॉर्ड कायम करत असं मला वाटतं।